दोस्तों प्यार में इंसान सारी हदों को और कई बार वो जरूरत पड़े तो सरहदों को पार कर सकता है। इतिहास में आपने कहीं ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा। सब कुछ सही है अगर किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने का जोश और जुनून रखते हो, तो कोई गलत बात नहीं है अगर आप एक प्यार करने लायक इंसान के साथ हो। और कहा जाता है कि प्यार में, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ज़्यादा लेट गो भी करना चाहिए। पर अगर आप एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और जब आप लेट गो करते करते यहाँ तक आ गए कि बात अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है, तो आपका प्यार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप कितना ज़्यादा उस इंसान को प्यार भले ही करते हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने उस प्यार को छोड़ देना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर आपको उस प्यार में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्यार इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक गलत इंसान के साथ हो तो आपके लिए अब प्यार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर एक गलत इंसान के प्यार के लिए आप बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचते, फिर आपके पास इसी चीज का एक टाइम रहेगा कि आपने अपने साथ सबसे ज्यादा गलत किया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आपको अपने प्यार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहला जो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी इंसान के सामने प्यार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कोई रीजन मुझे लगता है ना कि अगर आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कितने भी डाउन कर लो, उसके बाद भी उस इंसान को कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं है, जिसने कभी किसी इंसान के सामने अपने आप को डाउन नहीं किया। हमेशा आप एक अपने अंदाज में रहते हो, आपको अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी हो, पर जिस इंसान के सामने आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डाउन करने के लिए तैयार हो गए हो, उस इंसान को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने के बाद फर्क ना पड़े तो क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि भाई उस इंसान को आपके इमोशन से, आपके प्यार से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जाएगी लेकिन उससे कुछ बदलने वाला ही नहीं है। तो अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गवा रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन इस इंसान के सामने झुके, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने वाट लगाई, लेकिन उससे मिलने वाला क्या है, उससे मिलने वाला जस्ट यही है कि वो इंसान आपकी बेइज्जती और ज़्यादा करेगा, आपको उल्लू समझेगा, आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में और ज़्यादा डाउन होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने रोते हो, आप उनके सामने हाथ झोल लेते हो तो वो इंसान आपकी फीलिंग को समझ पाएगा, वो इंसान आपके प्यार को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जो इंसान आपके प्यार को समझता है उन्हें ज़रूरत नहीं है आपकी कि आप उन्हें समझाओ, क्योंकि बिना बताए आपके प्यार और आपकी फीलिंग को समझ सकता है। दूसरी चीज़, एक गलत इंसान के सामने या किसी भी इंसान के सामने आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप किसी इंसान के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने हाथों से अपनी वैल्यू को उस इंसान के सामने नष्ट कर देते हो। जब बार बार आप उनको रिक्वेस्ट करने लग जाओगे, बार बार उनके सामने रोने लग जाओगे, उनको समझाने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ना आपसे उबन होने लगेगी। वो इंसान आपके बारे में ये सोचने लग जाएगा कि भाई ये कैसा इंसान है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है। उस इंसान को ना आपसे इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाएगी कि वो आपको ही बोल ही देगा कि भाई तुम किस टाइप के इंसान हो, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम मेरे पीछे लट्टू होकर क्यों पड़े हो। मतलब आप उस इंसान की नजरों में बहुत ही बेकार इंसान बनना क्यों चाहते हो। अगर आप उस इंसान के सामने बार 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 रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ये लगने लगेगा कि इंसान जबरदस्ती मेरी लाइफ में मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। ये अलग बात है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन इस इंसान को ये लगेगा कि इंसान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो इतना बड़ा फर्क है, यहाँ पे आपके फीलिंग की बात है या फिर आपके प्यार की बात है, यहाँ पर उनको लग रहा है कि कोई जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है और उन्हें आप दुनिया के सबसे बेकार इंसान और बहुत ही फालतू इंसान लोगोगे। और ये सब करने के बाद बिल्कुल भी वो इंसान आपके बारे में सही पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचेगा नहीं, सोच ही नहीं सकता। तीसरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए कभी भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहिए, किसी के सामने नीचे नहीं लगाना चाहिए। जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब खुद की नजर में ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है एक्चुअल में। जब आपकी खुद की नजरों में आपकी वैल्यू नहीं रहती ना, तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करने लगते हो। लाइफ में आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप लाइफ में किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो, कोई चीज को बहुत अच्छे से करने लगते हो ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो लाइफ में आप खुश फील करते हो।
हैप्पी रहने लगते हो आपके कॉन्फिडेंस के कारण। लेकिन अगर आपने किसी इंसान के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा दी, तो आप ये सोचोगे यार कि मैंने बहुत कुछ किया, उसके बाद भी उस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं की, मेरे इमोशन को नहीं समझा, कहीं ना कहीं मेरे में बहुत ज़्यादा कमियां है, कोई मुझे लाइक नहीं करेगा, कोई मुझे समझेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया, जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू खुद के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि पहले वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, अपने करियर में, अपने काम में, हर तरह से। आज अगर आप ऐसे लोगों को मिलोगे तो आपको कई लोग मिल जाएंगे जो आपको लगता है कि आधे पागल हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में किस इंसान ने उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना बुरा फील कराया, इतना एक्सपीरियंस दिया है। क्योंकि देखो, आप ऐसा एक्सपीरियंस एक ऐसे इंसान से ले रहे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर वो इंसान आपको थोड़ा सा भी बुरा बोलेगा ना, तो आपको फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पर उनके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट डालने के बाद भी वो इंसान आपको भगा देता है, तो आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा उनकी बात असर कर सकती है। एक तरह से आप एक सदमे में कह सकते हो कि इनका घाव लेकर पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारने के लिए रेडी हो जाओ। आपका कॉन्फिडेंस लाइफ के लिए, अपने आप के लिए कभी बन ही ना पाए कि आप कुछ कर सकते हो। और हो सकता है कि आप आज के तारीख में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा क्यों ना करते हो, लेकिन बार बार ऐसे इंसान के साथ रहोगे और वो आपको बार बार ऐसा एक्सपीरियंस कराता रहेगा जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नज़रों में चलेगी, आपकी लाइफ का और खुद के लिए कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, 90% इस चीज़ का चांसेस रहता है कि फिर लाइफ में आप जो पहले करते थे ना, वो चीज़ें पहले की तरह कर ही ना पाओ। तब तक जब तक आपका वापस कॉन्फिडेंस अपने लिए ना आ जाए, और कई बार ऐसा कॉन्फिडेंस वापस आना लगभग मुश्किल होता है। चौथी चीज़ जिसके कारण कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप दांव पे मत लगाइए किसी के प्यार के लिए। अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हो, यहाँ तक कि उस इंसान के चरणों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रख देते हो, और उसके बाद भी सब कुछ कोशिश करने के बाद भी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने का मतलब ये है कि किसी के लिए आप अपने आप को इतना डाउन नहीं करते, आप उस इंसान के लिए कर लेते हो। लेकिन ये करने के बाद भी उस इंसान ने आपको भगा दिया, तो ये करने के बाद भी उस इंसान ने बिल्कुल भी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू नहीं की और पहले से ज़्यादा बुरा फील करवा कर आपसे अलग हो गए, तो आपका ये एक्सपीरियंस है ना, और एक्सपीरियंस से इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, और एक्सपीरियंस से ही उनका माइंडसेट बिल्ड होता है। दो चीज़ें होगी, उनका प्यार से और ऐसी चीज़ों से तो विश्वास उठ जाएगा। लाइफ टाइम इस बात के चांसेस रहते हैं कि उनको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से डर लगे, वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं करेगा। बहुत टाइम तक उनके मन में ये बात रहेगी कि हर कोई ऐसा ही होता है। एंड ज़्यादातर आपने ये चीज़ें देखी होगी कि हर लड़का जिसको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में किसी ने धोखा दिया, वो यही बात कहता है कि सारी लड़कियां चीटर होती है, और हर लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ है वो यही कहती है कि सारे लड़के बुरे होते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सारे के सारे ना अच्छे होते ना बुरे होते, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के कारण हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बन जाता है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और आप कितने भी स्मार्ट हो, आप इस बात को कितनी भी अच्छी तरह से समझते हो कि भाई हर इंसान सेम नहीं होता, उसने मेरे साथ गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे होंगे। आप ये बात समझते हो, कितना भी आप समझते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट प्यार के बारे में, लोगों के बारे में, और ज़्यादातर बार ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरी लाइफ के लिए आप नेगेटिव फील करने लगते हो, हर चीज़ में आपको बुरी चीज़ें नजर आने लगती हैं। और आप जब प्यार में होते तो आपको दुनिया की हर चीज़ स्वर्ग लगती है, लेकिन दिल टूटने के बाद एग्जैक्टली वही दुनिया आपको नर्क जैसी लगने लगेगी। तो ये बात सही है, अगर आप एक राइट पर्सन के साथ में हो, आपका कॉन्फिडेंस है, आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपका दिल हमेशा उनके लिए धड़कता रहता है, लेकिन कभी कभी आपका दिमाग भी आपको रोकता है, टोकता है और बताता है कि इंसान गलत है। वहाँ पर अपने दिमाग पे भी सुनो और वहाँ पर रुक जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट आप दांव पे लगा रहे हो, लेकिन हाँ, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हो और उसके बाद भी वो इंसान आपको लात मार कर भगा देगा ना, तो फिर आपका खुद के लिए अपना कॉन्फिडेंस या अपने बारे में कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके साथ रहेगी नहीं। आप लाइफ के लिए टोटल नेगेटिव हो जाओगे, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इस तरह पर दांव पर लगा देते हो, और उसके बाद आपको मिलता है लाइफ में बहुत बड़ा सदमा, जिसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी उस सदमे में ही गुजार देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्यार के पीछे आपको इतना पागल नहीं होना है कि किसी इंसान के और एक गलत इंसान के चरणों में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट लगा देते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।